साधना कैसे होती है, किस प्रकार से हमें कोशिश करनी चाहिए, जब ये ही मालूम नहीं होगा तो कैसे साधना होगी। हमने अनेक देवता बना लिए हैं, अनेक देवी देवताओं की रचना की है, मन के अनुरूप हम साधना करते रहते हैं, साधना का लक्ष्य भी नहीं पता होता, बस देखते हैं किसी का बुलावा आया कि आइए, जगराता चल रहा है, भागवत हो रही है या प्रोग्राम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहाँ भी क्या चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा नहीं होती, ध्यान की चर्चा नहीं होती, परमात्मा का गुणगान नहीं होता, नाम का तो पता ही नहीं, साधना तो का तो रास्ता दूर दूर तक नहीं, साधना तो आसपास भी नहीं, बहुत दूर की बातें हैं साधना तो, ये सब चीज़ें बहुत दूर की हैं, लेकिन वहाँ क्या चर्चाएं होती हैं। अरे वहाँ बहुत दिनों बाद मिले, कैसे मिलते, कोई कीर्तन तो था नहीं, ना कोई कथा हुई, तो इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए नहीं मिल पाए, फिर इकट्ठे हुए, अब शुरू होगी, कोई परमात्मा की बातें नहीं शुरू होंगी, घर की बातें शुरू होंगी। अरे उसके वहाँ गए थे, वहाँ कैसा सत्संग हुआ, कैसा जागरण हुआ, वहाँ तो बहुत अच्छा जागरण हुआ, दूसरा कहता है कि नहीं अच्छा नहीं था, उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रसाद बहुत अच्छा बनवाया था, दो पैकेट हाथ लगे मेरे तो, बहुत अच्छा जागरण था। दूसरा कहता है नहीं नहीं बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं थी उनके पास, तो मैं तो वैसे के वैसे बिना प्रसाद के ही वापिस आ गया। ये हालत हो गई है, ये हमारी खोज है, ये ज्ञान है, ये विचार है, ये साधना है, कैसे कल्याण होगा इस साधना के साथ, कैसे ऊपर उठेंगे इस साधना के साथ, कैसे हम सुमरण करेंगे इस साधना के साथ, बिल्कुल सब कुछ अलग थलग हो गया है। ये ही नहीं पता ध्यान कैसे करना चाहिए। कुछ दिन पहले की ही बात है, एक आया मेरे पास, उन्होंने कहा जी पहले तो आसमान में उड़ता था, सब कुछ दिखाई देता था, ध्यान भी लगता था, प्रयास भी, बिना प्रयास के बैठते ही ध्यान लग जाता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा, अब क्या कारण हुआ। मैंने कहा कारण को मत खोजो, अपने अंदर झांक करके देखो, शायद आपका ही कोई भाव या डोर कमज़ोर हुई होगी। जब भाव और डोर कमज़ोर होती है तो फिर जो लाइट आपके अंदर जा रही है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आपने साधना नहीं की है, आप साधना नहीं कर रहे, आप साधना कर भी नहीं पा रहे, आप प्रयास करके थोड़ा बहुत कुछ पल के लिए बैठ गए, घंटा दो घंटा लगा दिया सुमरन में, ये साधना नहीं है। आप साधना इतिहास उठा करके देखिए, हमारे ऋषि मुनि कितने वर्षों तक बैठे रहते थे, कितना टाइम बैठे रहते थे, आपने सुना होगा सैकड़ों वर्ष तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की, आप लोगों ने कितनी तपस्या की, आप तोलिए उस तराजू में बैठ करके कि आपने कितनी साधना की, आप सोचिए कि कितनी साधना की, आप विचार अंदर में उतर करके कीजिए हमने कितना किया और कितना पाया है। जब आप देखोगे खोजोगे तब पता चलेगा आपने क्या पाया है। एक महात्मा को ज्ञान हुआ, वो मौन हो गया, बहुत वर्ष बीत गए मौन ही रहा, जबान खोल ही नहीं रहा, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और जो परमात्मा के पार्षद थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, इसको तो अच्छा ज्ञान हुआ, इन्होंने तो साधना ही नहीं की, इन्होंने तो साधा ही नहीं कुछ, जब साधना ही नहीं की, साधा ही नहीं कुछ, तो लोगों को क्या सिखाएगा। एकदम से ज्ञान हुआ, परमात्मा की मेहर बरसी, गुरु की उसके ऊपर कृपा हुई और इनको सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहा, ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसी क्या घटना घटी कि ये बोल ही नहीं रहा, मौन क्यों हो गया। चलो साधना नहीं की, गुरु की कृपा हुई, इसको ज्ञान हो गया, क्योंकि गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसके ऊपर परमात्मा की मेहर हो जाती है,
और परमात्मा की मेर कृपा बरसती है, वो कुछ भी नहीं देखता, ना साधना देखता है, न शरीर देखता है, न धर्म देखता है, न बुद्धि देखता है, न कुछ भी नहीं। बस उसकी कृपा जब बरसने लगती है, जब मन के ऊपर काबू होने लगता है और उसकी कृपा उसके ऊपर बरस गई और वो बोल नहीं रहा बिल्कुल भी। उन्होंने सोचा अगर ये बोलेगा नहीं तो किसी भी जीव का कल्याण नहीं कर पाएगा और इस मार्ग पर रास्ते पर नहीं चला पाएगा। बहुत से देवता प्रयास करते रहे, उन्होंने समझाया आकर के पार्षदों ने कि कुछ आप ज्ञान का उपदेश कीजिए, कुछ कोशिश कीजिए लोगों को जगाने की। उन्होंने कहा क्या मेरे बोलने से लोग जागेंगे, क्या लोग मेरी सुनेंगे और क्यों सुनेंगे मेरी लोग? बहुत से लोग यहाँ आए जगाने को, क्या उन लोगों की सुन ली? मेरे गुरुदेव ने भी बहुत प्रयास किया, क्या लोगों ने उनकी मान ली? तो उन्होंने कहा कि आपके गुरुदेव के प्रयास के कारण ही आपको ज्ञान हुआ है। अगर आपके कारण से एक भी जीव वहाँ उसके दरबार में पहुँच गया तो आपका जीवन और आपको जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको जो ये गुरुपद प्राप्त हुआ है, ये इसका मान सम्मान भी रहेगा और आप समझो ये सफलदायी होगा। उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनके कुछ शिष्य पार भी होते चले गए, लेकिन बिना प्रयास किए जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पार होंगे? बस बोलते रहो, सुनते रहो और खोजते रहो। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम दोष ढूंढते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम कमियां एक एक करके उधेड़ बुन करके खोजते रहते हैं, लेकिन अंदर में जब हम कमी ढूंढेंगे, अपने अंदर कोई कमी नहीं देखता। साथ वाले कूड़े से बदबू आती है, लेकिन अंदर में जो कूड़ा भरा पड़ा है उससे बदबू नहीं आती। उससे तो हमें आनंद मिलता है, उससे तो हमें खुशी मिलती है, उससे तो हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। साधना के बिना आप बैठते ही नहीं गंभीर होकर के। साधना कोई मजाक नहीं है, साधना कोई खेल नहीं है कि आप खेल रहे हैं। साधना गंभीरता है, साधना कोई कुश्ती नहीं है कि आप लड़ रहे हैं। साधना कोई ड्यूटी नहीं, कोई काम समझ के मत निपटाओ, गंभीरता के साथ बैठो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो, एक एक शब्द जो नाम का हो उसका गुणगान ध्यान से करो। जितना भी शब्द है उन्हें ये मत सोचो कि हमें स्पीड से करना है, ये मत सोचो हमें बहुत धीमे धीमे करना है, नहीं, उन्हें देखो ध्यान से किस गति से हो रहे हैं। उन्हें साधारणतः चलने दो, बिल्कुल आराम से चलने दो, जैसे श्वास चल रही है। क्या कभी आपने सोचा कि हमें श्वास तेज़ी से लेनी चाहिए, हमें श्वास धीरे लेनी चाहिए, हमें एकदम से तेज अंदर हवा भर लेनी चाहिए? नहीं सोचते। उसी प्रकार से साधना का ये नाम है, जितना चल रहा है स्वतः चलने दो, बस रटते रहो मन के ऊपर बैठे हुए, लेकिन बहुत गंभीरता का ये काम है। जब तक आप साधना के प्रति गंभीर नहीं होंगे, जब तक आप परमात्मा के प्रति गंभीर नहीं होंगे, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और कितना भी प्रयास करते रहें, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे कि वो आ जाएगा, वो हो जाएगा, इस धरती के ऊपर ये है, वो अवतार आएगा, तब ये कल्याण होगा, नहीं होगा। कितना भी प्रयास कर लो, कितने भी अवतार आते रहें, अवतार आएंगे जाएंगे, आए गए आगे भी आते रहेंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण नाम सुमरण से होगा, क्योंकि उनका काम रास्ता दिखाने का, उनका काम वहाँ तक पहुँचाने का, उनका काम वहाँ तक ले करके जाने का। लेकिन आप अगर उनके साथ चलना नहीं चाहोगे, अगर आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलोगे, अगर आप उनके दिखाए मार्ग पर आगे नहीं बढ़ोगे, तो कैसे होगा कल्याण? नहीं कल्याण हो सकता। खोज करके भी अनसुना कर देते हैं, ये गंभीरता नहीं है, ये खोज नहीं है। आपको साधना करनी पड़ेगी, बिना साधना कल्याण नहीं होगा। कितना भी प्रयास करें और कितना भी कोशिश करते रहें, कितना ही घूमते रहें, साधना करनी पड़ेगी अगर उस दरबार में जाना है तो। अगर उस दरबार में नहीं जाना, अगले जन्म फिर जन्म लेना है, फिर संसार में आना है,
फिर पशु पे खेरू बन करके आना है। आते रहो जाते रहो, क्योंकि इतना हो जाएगा। अगर आप प्रयास करोगे, नाम रटोगे, दोबारा मानव का चोला मिल जाएगा। अगर ये नाम भी नहीं रटोगे, प्रयास भी नहीं करोगे, तो फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। तो साधना सबसे जरूरी तत्व है, और साधना के बिना कल्याण नहीं हो सकता। तो आप एक एक शब्द को बड़ी गंभीरता से सोचें, क्योंकि जो शब्द आज मैं हूँ, हो सकता है एक टाइम हो जब केवल शब्द हो, हम ना हो। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनकी बस पुस्तकें छपी रह गई कि ये लिखा उन्होंने, ये बोला, ऐसा काम करते थे, ऐसे कर्म करते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे चलते थे, ये उनके श्रेष्ठ दिव्य कर्म थे। हम सोचते हैं कि अगर वो इस समय होते तो हम उनके साथ चले जाते, लेकिन साथ कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि उस समय के लोग उनके साथ नहीं गए। उससे पहले जो महात्मा संत चले गए, उनके समय के लोग उनके साथ नहीं जा पाए। राम जब थे, राम के साथ नहीं जा पाए। जब श्री कृष्ण जी गए तो उनके साथ नहीं जा पाए। हम चूक जाते हैं मौका, और मौका चूकने के बाद बस पछताते रहते हैं, और पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं होता। बस विचार, सोच और पुरानी चीज़ों को याद करने के सिवा कुछ नहीं रहता। तो आप साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, परमात्मा के नाम का सुमरण कीजिए, क्योंकि बिना परमात्मा के नाम के न कल्याण संभव है, ना इस जगत में ना उस जगत में। और इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ करके, उस नाम के ऊपर पकड़ करते हुए, मन के ऊपर बैठ करके साधना कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।